मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई मैं 2016 से हूँ यूट्यूब पर इससे पहले भी मैंने काफी चैनल्स बनाए उसके बाद भी मैंने काफ़ी चैनल्स बनाए तो भाई इसलिए भाई भाई को हल्के में मत लेना इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विच टाइम इज बेस्ट टू तो अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब पहले जो यूट्यूब का अलगोरिदम था उसमें यह था कि आप किसी भी टाइम कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते थे लेकिन आपके व्यूज एक ही बराबर आने लेकिन अब एल्गोरिदम चेंज होता रहता है यूट्यूब का जैसे आप सबको पता है बताने की जरूरत नहीं है लेकिन सुन लो तो बेहतर है क्योंकि पहले YouTube के एलगोरिजम में सब चलता था किसी भी टाइप कोई भी वीडियो अपलोड कर दो और वो वायरल होने के उसके चांसेस बढ़ जाते थे क्योंकि उस टाइम यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा कम थे यूट्यूबर्स कुछ गिने चुने थे मेरे ख्याल में उस टाइम यूट्यूब यूट्यूबर्स लाखों में थे लेकिन अब करोड़ों में हो चुके हैं यूट्यूब और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मतलब हर बंदा यूट्यूबर बना बैठा है तो इसलिए जो है अब एलगोरिजम भी चेंज हो गए काफ़ी चीज़ें यूट्यूब पर चेंज हो गई तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनका एक ही टाइम फिक्स होता है कि भाई इन्होंने ये वाली वीडियो पर ये वाली वीडियो एक ही टाइम पर अपलोड करने से अब आपने देखा होगा मुंबईकर निखिल को मुंबई का निखिल जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो करते हैं नौ बजे सुबह के नौ बजे वैसे आगे पीछे भी अगर कर ले तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं भले वो किसी भी लेकिन फिर वो एक के साथ नौ बजे ही अपलोड करते हैं तो फिर यार टाइम का कुछ ना कुछ तो मैजी है भाई फिर तो इस वाली वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले कि जब आप नया चैनल स्टार्ट करते हो यूट्यूब का तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे साथ बिल्कुल सीन हुआ था डरने की कोई बात नहीं है मेरे क्योंकि इससे पहले मेरे बहुत सारे चैनल जैसे मैं आपको

किस टाइम आपकी ऑडियंस ऑनलाइन होती है मेरा इसलिए अभी नहीं दिखा रहा हूँ मैं पहले बोल चुका हूँ मुझे अभी काफी टाइम ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यूट्यूब पर मैंने काफी साल तक डेढ़ साल वीडियो अपलोड करना छोड़ दी थी और ये कंसिस्टेंसी अगर मैं अभी तक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा होता तीन चार साल से तो मेरे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते और मैं आपको ये भी टिप देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करो भाई साइंस वाले एक्सपेरिमेंट की बात नहीं हो रही इसलिए लैपटॉप उतार दो मतलब कुछ भी अभी बात हो रही है हमारे एक्सपेरिमेंट्स की यूट्यूब पर भाई किस टाइम आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करो तो एक्सपेरिमेंट करते रहो सुबह के छह बजे भी करो रात के बारह बजे भी करो जो टाइम फिर बेस्ट लगे उस वाली वीडियो उस वाली टाइम पर कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को अपलोड करते रहो कैजुअल करके आप जैसे अब आपने एक वीडियो को अपलोड कर लिया बिल्कुल रेडी कर लिया टाइम से पहले आपने अपलोड कर लिया ले, लेकिन जिस टाइम आपके एग्जैक्ट ज्यादा व्यूज आते हैं कि जो यूट्यूब का पहला आर जो होता है यूट्यूब आपकी वीडियो को चेक करते हो किस तरीके से परफॉर्म करिए क्योंकि मैं बोल चुका हूँ पहले एलोगिदम चेंज हो चुका है यूट्यूब का तो आपकी वीडियो को चेक करती है एक घंटे के अंदर कि वो कैसा परफॉर्म कर रही जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगी उतना ज्यादा उसके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जैसे यार अपने आप जैसे रात के दस बजे वीडियो को अपलोड कर लिया वहां पर आपके ज्यादा व्यूज आते हैं लेकिन आपने छह बजे बिल्कुल थमन टाइटल डिस्क्रिप्शन टैक्स वगैरह सब कुछ रेडी कर ले वीडियो आपकी बिल्कुल रेडी टू तो अपलोड है तो भाई रुक जाओ वीडियो को अपलोड करके अनलिस्टेड कर दो उसके बाद जब आप वीडियो को या फिर उसको स्केजुअल कर दो स्केजल का भी एक ऑप्शन आता है टेन पी पर उसको स्केजुअल करने के बाद डन कर दो उसके बाद अपलोड करो फिर जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी तो YouTube खुद ब खुद ही पब्लिश कर देगा उसको दस बजे तो आप ये कर सकते हो तो आपको एक बहुत ज्यादा एक अच्छा यूट्यूब ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है लेकिन मैं कुछ लोग बोलेंगे भाई तू तो खुद तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है नहीं यार, मैं। लेकिन आज से से कोशिश कि मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन ज्यादा ज्यादा क्योंकि अभी जैसे मैं आज से या तो सात बजे आठ बजे के करीब क्योंकि मुझे कभी लेट हो जाता है वीडियो को एडिट करने में क्योंकि कभी कभी वीडियो लंबी होती है कभी कभी जो है वीडियो शॉर्ट होती है तो उसको मैं जल्दी अपलोड करता है उसके थमनेल क्योंकि पहले ही बोल चुका हूं मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है थमनेल्स वगैरह बनाने में एक से डेढ़ घंटा वीडियो को एडिट करने में मुझे तीन या चार घंटे लग जाते हैं मतलब शूट और एडिट करने में तो इसलिए मुझे काफी टाइम लग तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है एक टाइम पर वीडियो अपलोड लेकिन इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएगी चलो मैं जल्दी जो मैनेज कर लूंगा तो इसलिए आप भी मैनेज करो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इज द की और ज्यादा वीडियो को खींचते नहीं है वीडियो को बिना लंबा किए ये सब कर देने साइड पर आ रहे और भाई को दुआ में याद रखना और इंस्टाग्राम पे हाँ यार ये बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है भाई को दुआ में याद रखना मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज